ओके, तो हम लोग वाटर ओवरफ्लो या वाटर लेवल राइज पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जैसे अगर आपने कोई बड़ा बर्तन लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ बड़ा बर्तन बाहर का, वो किसी भी शेप में हो सकता है। अभी हम लोग COVID-19 वाले रिड्यूस्ड सिलेबस को डील कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर आपके जो शेप होगा वहां पर स्फीयर नहीं होगा, तो ज्यादातर शेप हमें कैसे दिखाई देंगे, कोन और सिलेंडर, क्योंकि स्फीयर अपने कोर्स में नहीं है, स्फीयर कटवा दिया गया है। तो वाटर लेवल राइज में एक कोई बड़ा बर्तन होगा, वो सिलेंडर या कोन के शेप में होगा, और उसके अंदर पानी भरा होगा। उस भरे हुए पानी में कोई नई बॉडी इमर्स की जाएगी, नई बॉडी जो इमर्स की जाएगी वो भी सिलेंडर या कोन में की हो सकती है, इवन वो क्यूब या क्यूबॉइड की हो सकती है। क्योंकि ICSE ने ये नहीं कहा है कि जो जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया है वो नहीं आ सकता है या आ सकता है। तो आप हमें एक तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि चारों बॉडी में से कोई भी आएगा। फिर भी इस क्लास के अंदर हम लोग स्फीयर वाले भी एक दो सवाल कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मतलब थोड़ा सेफ खेलें हम लोग, और जो हमारा वीडियो है वो भी सारे केसेस को कवर अप करें। ठीक है, तो वाटर लेवल राइज कैसे रहता है कि जब हम बॉडी इसमें इमर्स करते हैं तो एक ये इनिशियल लेवल होता है पॉइंट ए पर, और एक पॉइंट बी पर फाइनल लेवल होता है ना? तो यही ए से बी जो गया है यही वाटर लेवल राइज होता है, जिसको एच बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फिजिक्स की भाषा में जाएंगे तो डेल्टा एच बोल सकते हैं, बट हम लोग ज्यादा डेल्टा वगैरह में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं यहां पे गवर्निंग फैक्टर क्या होगा, गवर्निंग फैक्टर मतलब जिसके अनुसार सारे नियम बंधते हैं, सारे नियम जिसका पालन करते हैं, तो गवर्निंग फैक्टर है आपका वॉल्यूम, यानी कि जब कोई बॉडी इमर्स की जाएगी तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इस तरह की बातें होंगी, और सारा काम वॉल्यूम से होगा। तो अब इसी बात को एक बार फिर से, मतलब मैंने यहाँ पे बॉडी इमर्स की और वाटर लेवल राइज किया हुआ, तो एक दो फिगर बनाकर चीजों को मैं डील करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि एक क्यूब को यहां पे इमर्स कर रहे हैं। जो सवाल है वो मैं लिख देता हूं, और सारे डायमेंशन वगैरह जो हैं वो अपने नोटेशन में रख देंगे, मतलब लेंथ है तो ए हो गया, रेडियस है तो आर हो गया, हाइट है तो एच हो गया, इस तरह से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक। तो जो सिचुएशन है बच्चों वो मैंने आपके सामने बना दी है, और अभी जो अपना क्यूब है वो मैंने बाहर रखा हुआ है, तो बाहर रखा हुआ है इसी जगह इसको अंदर डाला जाएगा। तो ये इनिशियल लेवल है, जब इसको उठा के इसके अंदर पहुंचा दिया गया तो अब अंदर फिर से बनाना पड़ेगा, क्यों मस्त बन रहा है ना क्यूब। ठीक, इसको हटा दिया जाए अब यहां से, अब ये अंदर चला गया, तो जैसे ही अंदर चलेगा तो ये वाटर लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाके अब यहां तक पानी पहुंच गया, दिस डॉटेड रेड वॉज द, डॉटेड रेड वॉज द इनिशियल लेवल एंड द सॉलिड रेड वॉज इज द फाइनल लेवल। ठीक है, अब अरे पूरा तो राइज इन वाटर लेवल होगा वो तो जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा उतना ही इंक्रीज होगा। हाँ, वेरी गुड, बस यही बात है। तो अब यहाँ पे ये जो राइज इन लेवल होगा वो, यार ये जो राइज इन लेवल होगा वो तो हाइट होगी ना, वो तो मीटर या सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि हम लोग हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम इक्वेट करे दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इक्वेट करना चाहिए वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। मैं सब चीज धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चों।
अब देखिए ये अपने आप में, अगर हम सिर्फ इसी को बाहर निकाल लें, सिर्फ इसी को बाहर निकाल लें, ये जो डॉटेड वाला, तो ये क्या है? पानी के ये जो सिलेंडर के अंदर अगर इस चीज को हम लोग बाहर निकाल लें तो ये क्या होगा? एक क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा या कोन होगा? गलत बोला, इसीलिए जानबूझ के मैंने क्यूबॉइड जैसा बनाया है। ये असली में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एक सिलेंडर होगा। अरे यार, सिलेंडर के अंदर शेप सिलेंडर का आएगा कि नहीं? वॉटर टेक्स द शेप ऑफ द बॉडी इन विच इट इज फिल्ड, ये आया? तो इसका वॉल्यूम है ना, ये सिलेंडर ऐसा होगा जिसका रेडियस वैसा ही होगा आर जितना, लेकिन डेल्टा एच यानी कि राइज इन लेवल, मैं छोटा एच ही बोल रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन में हाइट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप हाइट पे आ ही जाते हैं तो ये पूरा एच है और मैं छोटा एच मान रहा हूं इसको। ये बहुत पतला भी हो सकता है, अगर आप मान लीजिए इसमें बहुत छोटी चीज डालते हैं तो ये वाटर लेवल राइज जो है वो बहुत ही कम होगा, है ना? आप उसमें चींटी डाल देते हैं तो वो नेग्लेजिबल हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा एक तरीके से। तो अब हम लोग क्या इक्वेट कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ दिस वॉटर सिलेंडर, वॉटर सिलेंडर समझे, मतलब वो सिलेंडर, हाँ एक तरीके से वॉटर का ही बना हुआ वो सिलेंडर है, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इमर्स्ड, जो भी क्यूब उसमें डुबोया गया है उसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। बस अब ज्यादा कुछ करना नहीं है हम लोगों को, राइज इन द वॉटर लेवल दिखाना था। राइज इन द वॉटर लेवल एच है, एच को एक तरफ निकाल दो, बाकी सब चीज उधर रख दो। ये हो गया ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इमर्स हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि याद रखिएगा कि क्यूब का जो लेंथ है वो ए था। बच्चों यार, इको वाला प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी आवाज वापस आ रही है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इमर्स्ड हो जाएगा ए क्यूब, ये जो क्यूब है उसका एक साइड ए है, और वॉल्यूम ऑफ द वॉटर सिलेंडर जिसको हमने इससे उठा के यहां रख दिया है, जिसकी हाइट एच है, जिसका रेडियस आर है, तो वो हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर एच। आर कैपिटल है तो कैपिटल ही रखो। अब बस हमें कुछ करना नहीं है यहां पर, बस बहुत ही आसान सवाल है। ए क्यूब डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा राइज इन वॉटर लेवल। काम खत्म हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड राइज इन वॉटर लेवल, ठीक है ना बच्चों? सही चल रहे हैं। अब अगला सवाल बच्चों आपके सामने है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज वाटर फिल्ड इन इट अप टू अ सर्टेन लेवल, मतलब कि थोड़ा यार पानी भरा हुआ था पहले से ही, छोटा एच, और जब इनिशियली सिचुएशन ये थी कि ये पूरा हवा थी और इतना पानी था, फिर हम लोग लेकर आए काफी बड़ा स्फीयर, काफी बड़ा स्फीयर। अ स्फीयर इज इमर्स इन इट सच दैट वाटर राइजेज जस्ट अप टू द ब्रिम लेवल, यानी कि इसमें हम लोग ने खूब बड़ा स्फीयर अंदर घुसेड़ देने की कोशिश की, अंदर इमर्स करने की कोशिश की, जिससे कि पानी का लेवल ऊपर तक चला गया। कैसे? यहां पे लिखा हुआ है सच दैट वॉटर राइजेज जस्ट अप टू द ब्रिम लेवल, सो दिस इज योर ब्रिम लेवल, यहां तक पानी भर गया भाई, अभी बना दूंगा पानी भरा हुआ। अभी द स्फीयर हैज रेडियस आर एंड
its top just reaches the top water level after it is immersed. यानी कि हमारा जो इसका रेडियस था वही इसका भी रेडियस है, मतलब कि लगभग जितना बड़ा हमारा सिलेंडर है उतना ही बड़ा स्फीयर है. तो चलो उसको बना लेते हैं उतने ही बड़े स्फीयर को. तो अब स्फीयर ने बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये सब अब नहीं रहे. अब जो अपना लाल पानी है वो इधर तक भर जाएगा, साइड साइड से होते हुए थोड़ी जगह बनाते हुए, बट जस्ट अप टू द ब्रिम है, यानी कि कोई वाटर ओवरफ्लो वाला केस नहीं है. ठीक है, तो अब ये एच भी ज्यादा मायने नहीं रखता है. लेकिन आगे बढ़ते थोड़ा, द स्फीयर हैज रेडियस आर एंड इट्स टॉप जस्ट रीचेस द टॉप वॉटर लेवल. सो दिस इज द टॉप ऑफ द स्फीयर एंड इट रीचेस द टॉप वॉटर लेवल. ठीक है, यानी कि वो पूरा ही भरा हुआ है. आफ्टर इट इज इमर्स्ड फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर ही आ पाएगी. अब देखो यार, ये R है तो ये भी R है. अब दिखने लगा होगा तुम लोग को, ये R है तो ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R होगा और ये भी कैपिटल R होगा. समझ रहे हो बच्चों? बच्चों आप आर यू देयर? यस सर. हाँ ठीक ठीक ओके. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि H इज इक्वल टू 2R हो जाएगा. समझे कि नहीं? जी सर. हाँ, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कर ही लिया. फर्स्ट पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, H इज इक्वल टू 2R. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स R. ये तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया पहला वाला. दूसरे वाले में थोड़ी मेहनत होगी बट बहुत ज्यादा नहीं. अभी आप इतना कॉपी करिए, फिर मैं थोड़ा जगह बनाता हूं. एक बार और बनाना पड़ेगा मुझे. अब जो पहली वाली सिचुएशन है यानी इनिशियल सिचुएशन, उसे मैंने एक बार फिर से बना दिया है और ये वाली फाइनल सिचुएशन. यहाँ पे क्या है कि अपना जो स्फीयर है वो इमर्स ही नहीं किया गया है और यहाँ पे इमर्स हो चुका है. ये वाटर लेवल ऊपर उठ के इस तरह पहुंच चुका है. तो दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, हाइट अप टू विच वाटर वॉज इनिशियली फिल्ड, ये हमें बताना है. तो अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ये जो पतला सा बना हुआ है ये भी एक वॉटर सिलेंडर होगा. उस वॉटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बोलिए? सर पाई आर स्क्वायर एच है ना. वॉल्यूम ऑफ वॉटर फील्ड में बोल रहा हूं, अब इस बार वॉटर सिलेंडर नहीं बोल रहा हूं. तो ये इनिशियल हाइट जो है एच है वो हो गई कितने, किसके बराबर? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच के बराबर. छोटा एच रख रहा हूं यहां. लेकिन ये जो वाटर है वही वाटर यहां पे भी भरा हुआ है. जो वाटर है वो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स में भरा है या नहीं? यस सर. डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है, पतली पतली छोटी छोटी जो जगह है उसी सब जगह तो पानी भरा हुआ है. बस वहां यहां वो लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर.
एक ये बात आ गई, एक ये बात आ गई। तो अब ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2R, ठीक है। तो अब अगर हम लोग मान लीजिए बाहर वाले सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच की जगह क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, है ना। और जो ये स्फीयर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, -4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों। अब मैं मतलब जगह की कमी के कारण क्वेश्चन ही मिटाई दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें केवल हाइट अप टू विच वाटर वॉज फिल्ड ये निकालना है, उसको छोड़ देता हूं, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड मिटाते हुए थोड़ा वॉच टाइम खाया जाए। हाँ बोलिए सर, बोल रहे थे वो जो ब्लैंक, मतलब जो सेकंड आपका जो डायग्राम है उसमें जो ब्लैंक सिलेंडर जो बचा हुआ है उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी तो स्फीयर का वॉल्यूम के इक्वल होगा। यस, वेरी क्लोज, बल्कि काफी सही बात बताई आपने कि ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसके बराबर ये होगा। ये भी ऐसे भी इक्वेट कर सकते हैं आप, वेरी गुड, कर सकते हैं, क्योंकि इसी इसी एयर की जगह अब इस मेटेलिक सॉलिड ने ले ली है तो ये सारा पानी ऊपर भर गया, वेरी गुड, इस तरह भी आप इक्वेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब लेकिन जो मैंने किया मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या कह रहे बेटा, हाँ ये इनिशियल सिचुएशन है कि ये आपका पानी पहले थोड़ा सा भरा था और फाइनल सिचुएशन ये है कि सारा पानी ऊपर चढ़कर यहां तक आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से पाई आर स्क्वायर एच, अब आप यहां पे कॉमन कॉमन खेल लीजिए थोड़ा सा, टू पाई आर क्यूब ले सकते हैं आप पूरा कायदे से, देखो यहां तो वन आ जाएगा और यहां पे 2/3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 × 2 वापिस 4 हो गया, समझ गए। यस सर। अच्छा अब ये पाई आर स्क्वायर है तो मैं भी इसको पाई आर स्क्वायर लिखे दे रहा हूं और आर कर दे रहा हूं, मतलब काटने पीटने के लिए, ठीक है, मतलब अपना काम हो चुका, आर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, और यहां पे भी 2R मल्टीप्लाइड बाई 1 − 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू 2/3 R, यानी कि काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था, ठीक है, H इज इक्वल टू 2/3 R, यानी कि ये जो रेडियस था इसका 66% भरा हुआ था, तो लगभग हम लोग ने जो बनाया है वो सही बनाया, थोड़ा सा और ऊंचा बनाना चाहिए था, बट वो उस ड्राइंग के नंबर नहीं है, मतलब पहले से ही अप्रोक्सीमेट आप कर लिया, नहीं 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 वैसा कुछ नहीं होगा, उसके कोई नंबर नहीं है, मतलब बाद में आप अपना डायग्राम रिकंस्ट्रक्ट करें ये सब नहीं करना, कोई स्केल मॉडलिंग नहीं करना है वहां पे, है ना। H इज इक्वल टू 2/3 R आपका फाइनल आंसर हो चुका है, आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया होगा बच्चों।